कल जो भी हुआ तुम दोनों भूल चुके हो, और अगर किसी दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है तो ये भी याद रखना, अगली बार गोलियां असली होंगी। हाँ बड़ा बोलो। सर अभी अभी खबर मिली है कि डॉन इंडिया जा रहा है। कब? परसों। कोई जायराज है जिसके साथ उसकी डील होने वाली है। वर्मा हमारी आज रात की टिकट्स करा दो सर। और पता लगाओ ये जयराज कहाँ मिल गया। तुम्हें खाली हाथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा जयराज। पैसे कहाँ हैं? गाड़ी में। केस मेरे हवाले करो। कोई प्लीज नहीं कहता, जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो।
Come on. बस वो भाग लिया डॉल। उस लड़की की मौत के लिए अब तक नाराज हूं ऑफिसर। शट अप! अगर गोली चलानी है तो गो अहेड, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने का इरादा भूल। ठीक है, हैव इट योर वे। नीलक वर्मा? नो सर, ये जगह इतनी बड़ी है कि डॉन कहीं भी छुपा हो सकता है। हाँ, मगर कब तक? यहाँ के सारे हाईवे और स्टेशन पे पुलिस की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। आसपास के हॉस्पिटल में भी हमारे लोग होने चाहिए। अगर वो यहाँ से निकलना चाहे भी तो नहीं निकल पाएगा। इज इट अंडरस्टूड? राइट सर। वर्मा, पुलिस एनकाउंटर के बाद कोई नहीं जानता कि डॉन कहाँ है, यहाँ तक कि खुद पुलिस भी नहीं। मुझे डर है शायद डॉन अब। डॉन अब क्या? आई थिंक ही इज डेड। और डू यू होप ही इज डेड? यू नो मैक, मुझे लगता है कि ये चाहते थे कि डॉन को कुछ हो जाए। ओह, काम डाउन अली। नो, आई विल नॉट काम डाउन। क्या प्रॉब्लम थी आपकी डॉन से? यही कि इतने कम वक्त में सिंघानिया के लिए वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था? मैक, लेके जाओ इसे यहां से। मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन आप याद रखिए, अगर आपकी बात सच साबित हुई तो मेरी नजरों में इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। फिरोज, सुनो, तुम्हें शायद याद होगा, कोई एक साल पहले की बात है, एक आदमी सीधे मेरे ऑफिस में घुस आया था एक छोटे से लड़के को लेकर। उस लड़के के माँ बाप कहीं अचानक गायब हो गए थे और वो उसे कहीं सड़क पे मिल गया था। आई आस्क्ड यू टू फाइल द रिपोर्ट। यस सर। गुड, वो फाइल मेरे पास ले आओ। जी सर। फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। hey! तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो
मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है सुन ले कहता दीवाना है जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है खुशियों के दिन हो के गम का जमाना दिल बस लेता है नाम तेरा तेरे ही कारण है जीवन सुहाना तू ही तो मन में तमन में बसा हर घड़ी ध्यान रहे तेरा मैं हूँ तेरा चाहने वाला जपता हूँ तेरी माला तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है सुन कहता दीवाना है जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है जलवा दिखाना ही होगा अगले बरस आना है आना ही होगा है। हेलो डीपू बेटे हो गई गिनती जी चाचा तो कुल मिला के कितना हुआ ग्रांड टोटल पिछले सब दिनों को मिलाकर 3,000 रुपए श्री ये क्या कर रहे हैं सॉरी सॉरी वेरी मच क्या जमाना आ गया है डीपू बेटे यहाँ 3 दिन गा गा के गला फट गया और मिलता क्या है 3,000 रुपया आप फिकर मत करो बेटा चाचा इससे नहीं देखना इस बार नवरात्रि के महीने में हम बहुत कमाएंगे अरे वाह दीपू अरे कमाना तो पड़ेगा मेरे बेटे क्या है कि रोज हमें यही चिंता खाई जाती है कि किसी भी तरह तुम एक अच्छे से स्कूल में भर्ती करा दो इंटर पास हो जाओ बस पर क्या करें हर महीने अपनी खोली के भाड़े और खाने पीने के खर्चे के बाद पैसे बचते कहाँ हैं अरे मत हो कभी सोचा है जब तुम्हारे डैडी हमसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे कहेंगे वाह जी वाह तुमने तो लगा दिया रस्ते हमारी औलाद को है कि नहीं अरे विजय चाचा आप मेरे पापा को नहीं जानते वैसा बिल्कुल नहीं कहेंगे अच्छा तुमने क्या कहेंगे विजय पर वो हमारा नाम कैसे जानते हैं विजय क्या अरे खाना कुल्फी नहीं चाहिए जाओ मैं कुल्फी नहीं बेच रहा हूँ